नमस्कार दोस्तों, आज मैं नील कमल नर्सरी से बात कर रहा हूँ और आज एक पौधे को रिव्यू करेंगे जिसका नाम है मधुकामनी ड्वार्फ। वैसे तो देखा जाए तो ये बहुत अच्छा प्लांट है, दिखने में भी बहुत सुंदर होता है और इनकी वैरायटियाँ काफ़ी होती हैं। इसमें जो बड़े हाइट के प्लांट होते हैं वो भी आते हैं, इसमें मीडियम भी होता है, उससे भी छोटा होता है। एक जो होता है ये बिल्कुल ड्वार्फ बूसी बोलते हैं इसको, जो बिल्कुल आप ये देख रहे हैं बारीक पत्तियां होती हैं इसकी, बहुत बारीक पत्ती हैं। और ये आप ये देख रहे हैं, इनको इस तरह से अपन बना सकते हैं, जैसे ये इसको बोनसाई भी बोल सकते हैं और इनकी टेपोरी भी बन सकती हैं जो आप देख रहे हैं। और दिखने में इतना सुंदर होता है, वाइट फ्लावर आता है इसमें और खुशबू भी होती है फ्लावर में। इसके साथ साथ दोस्तों आप पे इनको बोनसाई भी बना सकते हैं, जो ड्वार्फ मधुकामनी है इसका बोनसाई बहुत अच्छा बनता है। ये देख सकते हैं आप, इसमें छोटा साइज है, उससे बड़ा साइज है, फिर उससे बड़ा है। ये हमने सिंगल बॉल बनाई है इसमें जो ग्राफ्टेड है। और देखा जाए तो ये प्लांट करीब 5 साल में ऐसा प्लांट तैयार होता है जिसमें सिंगल स्टेम में ये टेपोरी बनाई हुई है इसके अंदर। दूसरा आप ये इधर देखेंगे, इसमें हमने ये ग्राफ्टेड टेपोरी है जिसको करीब 8 साल लगते हैं इसको तैयार होने में, उधर देख सकते हैं आप। तो दिखने में भी बहुत सुंदर है और इनका बनाने का जो तरीका है वो भी एक बहुत अलग तरीके से होता है। जैसे इधर देखिए आप, ये बॉल अपन ने बड़ा साइज बनाया नीचे, फिर उससे छोटा है, फिर उससे ऊपर और छोटा है। अगर इसके ऊपर और होता तो और छोटा होता, जिससे क्या है कि पौधे की लुकिंग वाइज देखने का जो तरीका है वो बहुत सुंदर हो जाता है और दिखने में भी अच्छा लगता है पौधा। इसके अलावा जो अपन बोनसाई जो पॉट वगैरह होते हैं सेरेमिक वगैरह, इसमें अगर पौधे को और सुंदर बनाना है अपने को तो वो लगा सकते हैं इसमें, जैसे ये पॉट हो गए। इसके अलावा बड़े साइज के पॉट हो गए जिसमें पौधे की सुंदरता डबल हो जाती है। जैसे कई लोग प्लांट लवर होते हैं वो इस चीज को ध्यान नहीं दे पाते, प्लांट जैसा आता है वैसा ही वो लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा उसके साथ साथ थोड़ा सा ध्यान और देना चाहिए उनको मेरे हिसाब से। आज ये पॉट देख रहे हैं आप, अगर इसी पॉट के अंदर मैं ये देखिए आप, आपके सामने ये जो प्लांट है, मैं अगर इसको इसमें ऐड कर देता हूँ तो पौधे की जो सुंदरता है वो डबल हो जाती है इसमें, ये देखिए आप। तो एक बोनसाई का लुक भी देगा और पौधे का लुक भी अच्छा आएगा, सुंदरता बढ़ती है इससे। तो इसके साथ साथ दोस्तों बड़े इसमें जो जरूरी नहीं है यही मधुकामनी का, अपन बोनसाई बना सकते हैं या टेपोरी बना सकते हैं। इसके अलावा जो बड़ा साइज है ये देख सकते हैं आप इधर, सबको आप अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, हर पौधे से बना सकते हैं, क्योंकि ये पौधा बहुत हार्डी है और अपने यहाँ के एनवायरमेंट में बहुत अच्छा चलता है। ज़्यादा इनकी केयर करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम से पानी चाहिए, थोड़ा खाद वगैरह चाहिए, पौधा बहुत हार्डी है, ये देख सकते हैं आप। और इतना सुंदर नज़ारा होता है इसका, कहीं पे भी आप इसको आउटडोर में कहीं भी लगा सकते हैं, घर के गेट पे लगा सकते हैं, गार्डन में लगा सकते हैं, सेमी इंडोर लगा सकते हैं। इंडोर में अगर लगाना हो तो आपको वहाँ पे आपको लाइटिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज इंडोर में ये प्लांट नहीं चलेगा, सेमी इंडोर चलेगा, आउटडोर चलेगा। और इंडोर में आपको लगाना है तो ऊपर आप एक LED बल्ब इसमें लगा सकते हैं, लाइट की व्यवस्था कर दें, उसके बाद आप इंडोर में भी इसको लगा सकते हैं और अच्छा इंजॉय कर सकते हैं इसको। जहाँ पे आप घर के अंदर भी आप टेबल वगैरह पे कहीं पे भी लगाओगे बहुत सुंदर लुक आता है इसका। और साथ साथ इसमें जब भी फूल आता है तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, जिसको देखकर आप दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, ये देखिए आप। इसके अलावा और भी इसमें जैसे गार्डन ट्रे होती है ग्रुप में, जैसे 5 प्लांट लगा लिए आपने, 7 प्लांट लगा लिए, ट्रे वगैरह बना दी, ऐसे और भी काफ़ी ऑप्शन है इसमें जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये आप जो देख रहे हैं इनमें भी, जैसे ये छोटा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेज है, ये हमारा सेकंड स्टेज है और ये हमारा थर्ड है। ये देख रहे हैं आप, इसी से आप ये रूप दे सकते हैं पौधों को, ठीक है। इधर आप जो देख रहे हैं प्लांट, ये देखिए कैसे हैं,
इसमें होता है दोस्तों कि पौधे को सुंदर कैसे बनाया जाए। जैसे इंसान में अपन खूबियां बढ़ते हैं, जितनी उसको नॉलेज होगी उतना ज्यादा मतलब उसमें नजर आती है, वही चीज पौधे में है। पौधे में आप जितनी जान डालोगे उतना ही लुक आएगा उसका। ये जो देख रहे हैं इसके बाद में ये देखिए, इन्हीं से ये पौधे बने हैं, ये देख सकते हैं आप। फिर इसके बाद हमने ये बनाया, ये देखिए। तो जैसे पौधे हैं उनको जैसा जैसा रूप देंगे वैसे वैसे उनके चेंज होता जाता है। इसके साथ साथ पौधा बन गया, उसके बाद में आप पॉट अच्छा लगा दिया, सेरेमिक पॉट लगा दिया उसमें, उसके बाद उसमें पॉट में भी डेकोरेशन होता है, कलर्ड स्टोन डाल दिए, उसके साथ खिलौने वगैरह लगा दिए, तो एक अच्छा लुक आता है उसमें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।